दोस्तों आज हम बात करेंगे उन दो महासागरों के रहस्य के बारे में जो आपस में मिलकर भी कभी नहीं मिलते। और ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दोनों महासागर एक दूसरे के संपर्क में तो जरूर आते हैं परंतु दोनों का पानी कभी मिक्स नहीं होता। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं उन दोनों महासागरों का नाम और पानी नहीं मिलने का राज? चलिए मैं बताता हूँ। एक महासागर है हिंद महासागर और दूसरा प्रशांत महासागर, और उन दोनों का मिलन होता है अलास्का की खाड़ी में। दोस्तों ये मिलन वास्तविक नहीं बल्कि एक झूठ मिलन है क्योंकि उन दोनों का पानी कभी मिक्स ही नहीं होता, दोनों का पानी अलग अलग होता है। और इसी पे एक मुहावरा बनता है कि तन तो मिलता है परंतु मन नहीं मिलता। और इसके पीछे का कारण क्या है, इस राज को लेकर लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये भगवान का चमत्कार है, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि फेक न्यूज़ है, और वहीं वैज्ञानिकों का कहना ये है कि जो दोनों महासागर है, दोनों महासागर में जो पानी है दोनों की टेम्परेचर अलग है, दोनों की डेंसिटी अलग है और दोनों की पीएच भी अलग है। जो प्रशांत महासागर है उसका पानी मीठा होता है क्योंकि उसका पानी जो है ग्लेशियर से आता है। वहीं जो हिंद महासागर है उसका पानी खारा होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी सैलिनिटी होती है, उसमें बहुत सारे सीवेज मिले रहते हैं, बहुत सारे समुद्र का पानी मिला रहता है। दोस्तों एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो दोनों महासागर हैं, दोनों महासागर की पानी जो है दोनों का कलर अलग अलग है। इस पे भी वैज्ञानिकों का कहना ये है कि जो दोनों का टेम्परेचर जो है वो भी अलग अलग होता है, और टेम्परेचर अलग होने के कारण जब इस पे सूर्य का रोशनी पड़ता है तो इसका कलर भी अलग दिखता है। दोस्तों पानी का नहीं मिलने के पीछे एक और राज बताया जाता है, और वो ये है कि जो हिंद महासागर है उसमें बहुत सारा कचरा होता है जिसके कारण उसमें झाग बन जाता है, और एक झाग जो है एक दीवार की तरह काम करता है जिसके कारण दोनों का पानी नहीं मिल पाता। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।